मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू क्लास सिक्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 जिसका नाम हमारा लिंग। इसमें हम जानेंगे पहले लिंग क्या होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। आइए पहले हम जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, यानी जिस शब्द के रूप से हमें यह पता चलता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। जिसकी पहचान कैसे होती है कि वह स्त्री है या पुरुष, यानी जिस जाति का है वो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग के भेद। लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग के हमारे दो भेद होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है हमारा पुल्लिंग। पहला कौन सा होता है हमारा, स्त्रीलिंग। तो आइए हम जानते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति, यानी वह मतलब पुरुष है या स्त्री है कैसे पता चलेगा, यानी पुल्लिंग में हम क्या देखेंगे, वह पुरुष जाति का होता है, यानी कोई वस्तु है या व्यक्ति है वह किस जाति का होगा, पुरुष जाति का होगा, तो वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी क्या होता है, धोबी हमारा पुल्लिंग है, यानी ये पुरुष है इसलिए क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है हमारा गधा, गधा एक जानवर है लेकिन किस जाति का है, पुरुष जाति का है, ठीक है, गधा खड़ा है, ठीक है, पुरुष जाति का है गधा। इसी प्रकार हम देखेंगे स्त्रीलिंग क्या होता है, शब्द के जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री जाति का होने का पता चलता है, यानी वह किस जाति का स्त्री जाति का पता चलता है, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, माँ खाना बना रही है, माँ क्या होती है हमारी, माँ स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा भावना गुड़िया से खेल रही है, भावना क्या है, एक लड़की है, लड़की क्या है, महिला, महिला लड़की जो भी है या कोई वस्तु हो सकती है, यानी जो भी स्त्री जाति का है वो क्या कहलाएगा, हमारा स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे भावना लड़की है और गुड़िया है, गुड़िया भी एक लड़की है, आपको पता है गुड़िया का पुल्लिंग क्या होगा, गुड्डा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब ये क्या है, भावना गुड़िया से खेल रही है, तो गुड़िया भी स्त्रीलिंग होगी और भावना भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। इसी प्रकार आज हमने जाना कि लिंग किसे कहते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष का बहुत मतलब जो व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिंग के भेद हमने जाना, दो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हमने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है, जैसे धोबी हमारा क्या है, पुरुष है, और गधा जो भी पुरुष जाति का होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, और जो भी स्त्री जाति की होगी वो हमारी हो जाएगी स्त्रीलिंग। तो आज हमने इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ा, इसके आगे आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।